ये आपका कल्चर है क्योंकि आप नौजवान हो तो आप अभी भी मुंसलिक है अपने कल्चर के साथ, तो कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, रिवायती अंदाज में फिर से आज के ज़माने में, जैसे कि आमतौर पर ऐसा नहीं चलता है, बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लग रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं इसको। जम्मू कश्मीर की तीसरी बड़ी आबादी गुज्जर बकरवाल आबादी, और हर साल हम देख रहे हैं कि इस सीजन में जो है ये ट्रेडिशनल तरीके से घास कटिंग करते हैं। आपने ये देखा, ये हमारा कल्चर है, आप जिम्मेदार पेशा है, हम जिम्मेदार लोग हैं। हम इस महीने में हर एक इंसान अपना घास काटता है और अपने माल के लिए चारा जमा करके रखते हैं। हम 6 महीने यहाँ बर्फानी इलाका है, उसकी वजह से हम अपना चारा जो माल मवेशी हम रखते हैं उसके लिए ये चारा जमा होता है हमारा, और ये हमारा कल्चर है। हम इसे घास काटने में हम इसे शौक से काटते हैं, बड़ी इज्जत भी समझते हैं और बड़ी शौक हवाल से, मतलब खुशी होती है, घरों में इकट्ठे होते हैं भाई, एक दूसरे को बहन भाई मिलते हैं गले लगकर, तो एक शुगल मेरा हमारा जो है ये सदियों पुराना है, 100 साल पुराना पहला जो कल्चर है ये चलता रहता है। कल्चर की बात जो ढोल बजाने की बात, ये इस तरीके की है कि जहाँ भी 10-15-20 आदमी जमा होंगे, ढोल इसलिए बजाया जाता है कि वो जोश खरोश से जो ये घास है इसको जल्दी जल्दी काट ले और ख़त्म कर ले। तो लिहाजा मैं इस बदयाड़ इलाके का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इसमें हर एक मौसम यकसान रहता है और पानी की इसमें कोई किल्लत नहीं होती है, जिसकी वजह से दुनिया शौक से इस ढोल वाले को दिन की उजरत लेकर आते हैं, देकर इसको यहाँ लाते हैं, इसलिए कि घास कटेंगे और ये बंदे जो हैं इसके साथ जोश आता है इनको और जोश के तरीके से घास काटते हैं। बिल्कुल हाई साहब, कि अब दिन ब दिन जो है मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, घास मशीन कटाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, और कब से ये सीज़न शुरू होता है घास कटाई का और कब तक ये रहता है? सर ये इसी महीने की 1 तारीख से शुरू होता है और दूसरे महीने की 15 तारीख तक रहेगा, ये घास कटिंग का जो टाइम है तो यही 1.5 महीना होता है। तो जो वो मशीनें अलर्जी सामान निकला है, लेकिन उनसे हम इस जो ये हाथ की बनी हुई दाती होती है इसको हम अच्छा पसंद करते हैं, तो इससे घास सफाई से कटा जाता है, और जो वो आरडी होती है वो अभी मशीन वगैरह निकल गई है उनसे घास बिखर जाता है, जहाँ से 100 घास की तादाद निकली है वहाँ उससे 50 ही निकलता है, तो इसलिए हम संभाल के काटने के लिए हमें ये जो लोहे की ये दाती बना के रखते हैं, इसलिए हमारे ये इधर इस इलाके में हर जगह पे ऐसे ही होता है। हर जगह में ऐसे ही होता है सर, ये इलाका देखो ये बहुत खुशकिस्मत इलाका है कि इसमें घास बहुत होता है और पानी की किल्लत इसमें नहीं है। तो सर मैं काजीगुंड बकरवाल चक का रहने वाला हूँ और ये मेरा भाई है यहाँ, इसके यहाँ ये आदमी लेकर मैं आया हूँ, इसकी थोड़ी मदद करने के लिए सर यहाँ आया हूँ, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा होता है और ये तो 40 आदमी हैं, 40 और भी लगेंगे, अभी सिर्फ इसी की ज़मीन को लगेंगे सर, इतना घास होता है। ये सारा यहाँ पे जो घास है ये काटना है सब? सब काटना है सर, सब काट के तो फिर दो रह जाएगा, वो दूसरे तीसरे दिन फिर काटना है, काट के इसकी छोटे छोटे गट्ठे बना के इसको सुखाया जाता है, फिर दरख्त पर टांगा जाता है 1.5 महीने के लिए, टांग के फिर जब बर्फ़ पड़ती है तो इसको एक ही जगह में लादी करके जमा करके रखते हैं। जो यहाँ पे ढोल चलता है, यहाँ खाने पीने या चाय जब आती है तो इकट्ठे सब लोग? जी इकट्ठे सब लोग एक साथ खाते पीते हैं और मिलके खाते हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा पढ़ाई कहाँ तक की? जी मैंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा ग्रेजुएशन जी, मगर अपने ट्रेडिशन के साथ अभी भी? जी जी अपने ट्रेडिशन के साथ अभी भी, कल्चर के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सब।